तो ये तो क्यों कर रहे हैं, ये चीन के साथ व्यापार में रोजाना हमें इजाफा हो रहा है, बढ़ोतरी हो रहे हैं, और उल्टी तरफ चीन हमारी अरुणाचल प्रदेश को जो हमारे देश की एक अंग है उनके ऊपर कब्जा जमाने के लिए मांग कर रहे हैं। लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक हमारे सारे सीमा में चीन घुसपैठियां कर रहे हैं, अतिक्रमण कर रही है, लेकिन हमारे 56 इंच सीने वाले प्रधानमंत्री चुप्पी साधी है। आज तक गलवान की मुद्दे को लेकर उन्होंने कुछ अपना गलती नहीं स्वीकारे। उन्होंने उस समय यह कहते कि ना कोई घुसे ना कोई घुसा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, चीन के चीन सरकार को सबसे बड़ा सर्टिफिकेट अगर कोई देश ने दिए होंगे तो वो हमारे देश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ये ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कही थी, ऑन रिकॉर्ड उन्होंने ये कहते इस समय। इसलिए डरे हुए हैं, हमारा फौज नहीं डरने वाले सारे भाई, सदन के अंदर भी कहते थे उस दिन कि हमारे फौज डरने वाले नहीं, फौज की हिम्मत में कई कभी कभी नहीं हुई, डरते हमारे पॉलिटिकल लीडर ने जिनकी हाथ में सत्ता है वो डरे हुए हैं, उनकी डर के मारे हमारे फौज की जो ताकत जो तेवर जो हिम्मत जो हो वो दिखाने नहीं पाते हैं। इसलिए आज भी 2000 स्क्वायर किलोमीटर हमारे जमीन अतिक्रमण की बदौलत चीन के कब्जे में अभी रह गए। बिल्कुल इंदिरा गांधी के जमाने में बिल्कुल इमरजेंसी हुई थी, और ये इंदिरा गांधी खुद जिनकी ये पता चली उस समय कि अगर चुनाव होंगे तो हम हार जाएंगे, फिर भी उन्होंने चुनाव करने की हिम्मत दिखाई थी और साथ साथ हार भी गई थी। और उसके बाद उन्होंने ये कहा था कि कम से कम मेरी अगुवाई में हमारे देश में लोकतंत्र बहाल तो हुई, उनको बखूबी जानकारी थी कि अगर इमरजेंसी की उपरांत चुनाव होने होंगे तो कांग्रेस पार्टी बिल्कुल सत्ता से बाहर होने का संभावना है, जानकारी थी उनको, फिर भी उन्होंने हिम्मत दिखाई और इनके लिए अफसोस भी जताई थी। और क्या चाहिए, कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गए थे, सजा कांग्रेस को मिल गई, और क्या चाहिए। बार बार दोहराते हुए अपने पार्टी की और बीजेपी पार्टी की जो काली करतूते सारे हिंदुस्तान में चुनावी करतूते सियासी करतूते आज तक चलते आ रहे हैं, उनको क्या छुपाना चाहते हैं, मुंह छुपाने की जगह नहीं है। इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर कुछ तो कहिए, कम से कम इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर कुछ तो कहिए, तब ना मजा लगेगा, तब तो हिम्मत दिखाओ कि चंदा दो और धंधा लो, ये तेवर किसने अपनाई थी और किसके लिए ये तेवर अपनाए गए थे कि चंदा दो और धंधा लो, ये तो बताओ। देशवासी जानना चाहते हैं, न खाने दूंगा ना खाऊंगा भले को, न खाने खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये तेवर वाले से हिंदुस्तान के लोग ये जानकारी लेना चाहते हैं कि धंधा लो और चंदा दो, इसका मतलब क्या है, इसका स्पष्टीकरण आम लोग जानना चाहते हैं हिंदुस्तान की आज की सत्तारूढ़ पार्टी से। आज भाव और उत्तर प्रदेश के जिन लोग बोलते हैं ना उन लोग कांग्रेस जमाने में पाले उसे बड़े हुए और चुनाव में भाग लेने की अधिकार भी मिली है, मतदान देने के अधिकार की मिली है और नुमाइंदे होने का भी अधिकार मिली है। अगर कांग्रेस ना होते तो मोदी ना कभी चुनाव लड़ सकते, और मोदी अगर चुनाव नहीं लड़ सकती तो सत्ता में आकर प्रधानमंत्री ना बनते, तो इसके लिए कम से कम कांग्रेस पार्टी के प्रति को कर्जदार रहना चाहिए।